वेलकम टू सिंसॉफ्ट स्टूडियो, दिस इज साहिल जंडियो। अज असो थर्ड वीडियो आको अस कंप्यूटिंग एथिक्स त पढ़ू ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो थर्ड वीडियो लेट स्टार्ट था क्यों असो लेक्चर जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कंप्यूटिंग एथिक्स टॉपिक आ लेट स्टार्ट। सब का पैर असो कंप्यूटिंग एथिक्स वो छो नीड पी जरूरत छो हुई तो अस कंप्यूटर एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ू था उनके मायने साइंटिस्ट 1950 में सोचो तो जो मॉरल इशूज इन रिलेटेड जो कंप्यूटर हूँ असें कें खबर पवे सजो कोर्स जैसे डेवलप थो 1970 में 1980 ताईं वो डेवलप थो कंप्यूटर एथिक्स वो अची वो मतलब ये चई सको कंप्यूटर एथिक्स आ वो सब्जेक्ट या ये चूँ उन इंफॉर्मेशन आ इंट्रोड्यूस करी वही जी भी मॉरल इशूज हुआ उन रिलेटेड सारी असें इंफॉर्मेशन गिवन पियन। कंप्यूटर एथिक्स कंप्यूटर एथिक्स का मतलब जैसे अस कुछ भी यूज था करा तो प्रोफेशनली अस उन प्रैक्टिस कर चाहूँ या रिस्पॉन्सिबल आयो तो टेक्नोलॉजी के यूज था क्यों कंप्यूटिंग जी भी रिसोर्सिस हूँ या इंडिविजुअल्स हुजन ऑर्गेनाइजेशंस में या फील्ड हुजन कंप्यूटर साइंस में उ सजू अस डिसिप्लिन अची वन थी कंप्यूटर एथिक्स में या ये चई सकूँ था जी टेक्नोलॉजी कंटिन्यू थी कन एडवांस जी भी या एथिकल कंसिडरेशंस उनके इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट वे से उनके यूज तो कर इंश्योरिंग क्यों तो जो कंप्यूटर जो यूज आ वो रिसोर्स जो प्रॉपर आए या ना है यानी कि सोशल वैल्यूज आए या लीगल स्टैंडर्ड आए या ना है मॉरल प्रिंसिपल के थ्रू उनके फॉलो किया तो वे या नो वे तो उनके चो कंप्यूटर एथिक्स इन में ही कुछ की एस्पेक्ट्स जी अस अगते डिस्कस था क्यों हाँ प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन अगर अस कंप्यूटर एथिक्स में ऐसा तो उनमें प्रोफेशनली जैसे अस हूँ तो उत डेफिनेटली रेस्पेक्ट करनी पवी हर एक की मतलब हर एक की प्राइवेसी की ख्याल रखो पव डेटा उनके प्रोटेक्ट करो पव मतलब ये न हो तो अस कें भी डेटा खड़ी शेयर कर छूँ किथे भी सोशल नेटवर्क से या किथे कें बे हंध यानी कि उन कंपनी के उनकी डेटा दई छूँ जो असेंगे दियण न घुर्ज ला उन चेक क्यों या उनकी लॉ एंड रेगुलेशन जी हूँ उ चेक क्यों ये न हो तो अस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क था क्यों उन ऑर्गेनाइजेशन में असाजा जी लॉज हैं उनके असर ब्रेक करें उन अलग से डेटा शेयर था करें यानी कलेक्टिंग क्यों या स्टोरिंग क्यों उनके अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसिंग करा पर्सनल डेटा के ये न हो तो कें भी पर्सनल डेटा के अस ट्रांसपेरेंटली यूज क्यों या अस उनके कें बे डे शेयर कर छूँ कें पर्सनल डेटा सागे तरीके से इंडिविजुअल न हो अस अगर ऑर्गेनाइजेशन में आयो ये न हो तो अस को भी एक पर्सन इंडिविजुअल आ सागे तरीके से असेंगे यह भी खबर होजन घुर्जे तो अगर अस कें भी ऑर्गेनाइजेशन में आयो तो वह डेटा असेंगे कें इस्तेमाल करण घुर्जे मतलब ये न हो तो अस उन डेटा के अस ये शेयर कंदा रहूँ उनकी जो प्रोटेक्शन आज प्राइवेसी आजी उन तोड़े छूँ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब इतने पर्सनली कें भी डेटा के अस विदाउट परमिशन के इस्तेमाल न क्यों विदाउट परमिशन के उनकी डेटा के शेयर न क्यों अगर अस कें भी ऑर्गेनाइजेशन में आयो पी कलीग्स की डेटा अस कें भी न दूँ इन ही उन पासवर्ड्स उनके दूँ या उन सिस्टम के विदाउट उन परमिशन के अस उनके इस्तेमाल क्यों सिक्योरिटी थी सिक्योरिटी मतलब अस सिक्योर क्यों पाँ सिस्टम्स ये न हो तो अस कें सिस्टम से पासवर्ड्स लगल उनके पासवर्ड अस ट्रोड़े कर उन डेटा सजी के ब्रीच क्यों ब्रीच मतलब सजी डेटा अस चोरा कर किथे बे हंध अनऑथोराइज पर्सन के दई छूँ मतलब जो भी उनका पासवर्ड्स हुए उन सिस्टम के सिक्योर थियल हो इवन दो अस उन यूज कर या ये चई सकूँ था असा साइबर अटैक्स जो हूँ सिस्टम्स उ साइबर अटैक्स क्यों या एथिकल कंसिडरेशंस न हूँ अगर अस कें भी सिस्टम्स के कनेक्ट था करूँ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जी हूँ मतलब ये चई सकूँ था अगर असो सॉफ्टवेयर है वो वीक आ किथा भी तो वह असेंगे खबर होंगी छो तो जै भी ऑर्गेनाइजेशन हूँ जितना भी अगर मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आया तो खबर होंगी तो मुझे नेटवर्क किथे वीक आ उ असकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज न हो अगर अस खबर आ तो उनकी सिक्योरिटी जो असिक ख्याल रखूँ ट्रांसपेरेंसी हुए अकाउंटेबिलिटी हुए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मतलब आ तो जैसे भी अस कें ऑर्गेनाइजेशन में कम था क्यों तो ट्रांसपेरेंसी क्यों या अकाउंटेबिलिटी हुए असेंगे ये मिसाल तौर अस को भी वर्क अस फंक्शनलिटी का यूज करें या सिस्टम्स के या अल्गोरिथम या मॉडल ठहल उनके अस ट्रांसपेरेंट यूज क्यों या अकाउंटेबिलिटी थ्रू यूज क्यों मतलब तो जी असेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलल असा
उन्हनि जे थ्रू ई वर्क कयूं। ईअं न हुजे त असां को बि एक्शन हुजे कंहिंजे हिक जे थ्रू असां वर्क करायूं, बाक़ी ॿियनि खे असां छॾे ॾियूं। त ईअं न हुजे त असां जेको वर्क था कयूं उहो असां सिर्फ़ु हिकु ई ॾियूं, या ईअं ट्रांसपेरेंट ईअं न हुजे त अगरि असां अपॉइंटमेंट था कयूं त असां सिर्फ़ु पंहिंजा ई खणी करे उन ते रखूं, ईअं न हुजणु घुरिजे। त इहो असांजे ख़िलाफ़ु थींदो, कंप्यूटर एथिक्स जे ख़िलाफ़ु आहे। ऐं अकाउंटबिलिटी मतिलबु असां उन्हनि जी सॼी इंफॉर्मेशन पाण वटि रखूं, ऐं डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ते जीअं अॻिते वधंदा अचूं त उहे असांखे ॾेखारींदो अचे। फेयरनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन्स, हिते बि साॻी आहे, जीअं असां ट्रांसपेरेंसी ॻाल्हि कईसीं त फेयरनेस ऐं नन डिस्क्रिमिनेशन, ईअं चई सघां स्ट्राइव करे क्रिएट करायूं था असां इंप्लीमेंटेशन जॾहिं सिस्टम था ठाहियूं, ऐं फेयर थियलु हुजे त जेको सिस्टम आहे, ईअं न हुजे त मां पंहिंजे लाइ रूल्स नॉर्मल ठाहियां ऐं जेके ॿिया इम्प्लॉय आहिनि उन्हनि जे लाइ वधीक रूल्स हुजनि। फेयरनेस हुजे ऐं कंहिंजे बि ख़िलाफ़ु, इंडिविजुअल जे ख़िलाफ़ु असां कॾहिं बि वर्क न कयूं। ईअं अगरि ॾिसो को बि हिकु ग़लती करे त उनखे चयूं, ईअं न हुजे त असां सॼी ऑर्गेनाइजेशन्स खे उनजो जेका पनिश करायूं, ईअं न हुजणु घुरिजे। फेयरनेस हुजे मतिलबु अगरि को बि वर्क ऑर्गेनाइजेशन जे बेनिफिशियल जे लाइ थो करे त उनखे असां एप्रिशिएट करणु घुरिजे, ऐं कॾहिं बि जेंडर जेका हुजे न हुजे, जेका बि ईअं चई सघूं था जेके मेल फीमेल आहिनि त असां मेल खे वधीक प्रिफर कयूं ऐं फीमेल खे न कयूं, त इहा रेस कॾहिं बि न हुजणु घुरिजे ऑर्गेनाइजेशन में। अगरि असांजी मेल आहे त लाइक वाइज असांजो कलीग्स बि फीमेल आहे त उनखे बि असां सेम उतो ई फेयरनेस जे हिसाब सां वर्क करायूं, ऐं तॾहिं असां उन्हनि खे अचीव कराए सघूं था जेको बि वर्क हूंदो। प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी हुजे ऐं असां पंहिंजी डेटा खे प्रोटेक्शन कयूं, यानी कि डेटा खे जेका ऑर्गेनाइजेशन डेटा ईअं न हुजे त असां कंहिंखे ॾेई छॾियूं। सिक्योरिटी जीअं असां प्रीवियस में बि डिस्कस कयोसीं त असां उनजी मयर करे छॾियूं त असांजी सिक्योरिटी केतिरी आहे पंहिंजी ऑर्गेनाइजेशन जे अंदरि, ऐं असांजे कंप्यूटर में केतिरी सिक्योरिटी रखियल आहे उनजे हिसाब सां जस्टिफाएबल हुजे। रिस्क असेसमेंट हुजणु घुरिजे त अगरि असांखे इहा ख़बर हुजे त असांजी ऑर्गेनाइजेशन में हिते रिस्क आहे त उते असांखे तुरत जेके थ्रेड्स था अचनि या उन्हनि ते असांखे जल्दी में वर्क करणु घुरिजे, जीअं असांजी सॉफ्टवेयर जी वल्नरेबिलिटी हुजे, जेके असांजे वीक जिते सॉफ्टवेयर आहिनि उन्हनि ते वर्क करणु घुरिजे। उहे असांजा एनालिसिस, या असां ईअं चई सघूं था साइबर हुजे या पर्सनल रिलेटेड रिस्क्स हुजनि, इहे बि असांजा डायरेक्टली अची वेंदा आहिनि इन्हनि में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में असां ईअं चई सघूं था जेका प्रॉपर्टी हूंदी, जेके राइट्स हूंदा आहिनि, या कॉपी राइट्स चई सघूं या पेटेंट चऊं, ऐं प्रॉपर असां ईअं चई सघूं था लाइसेंस या एग्रीमेंट। पेटेंट मतिलबु असां कॉपी राइट हूंदा आहिनि, जेको नेम हूंदा आहिनि असांजा, या पेटेंट जेको नेम हूंदो आहे ऑर्गेनाइज़र जेको असां रजिस्टर कराईंदा आहियूं। इवन दो असांजो नेम हुजे या सॉफ्टवेयर हुजे जेको असां उनजो लाइसेंस ठाराईंदा आहियूं त उहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हूंदी आहे, मतिलबु जेके बि राइट्स हूंदा आहिनि हक़ ऐं वास्ता उहे सॼा ऑर्गेनाइज़ेशन जे थ्रू हूंदा आहिनि। पोइ सॉफ्टवेयर बि हुजे या डिजिटल असिस्टेंस हुजे, बट एक्चुअली छा थींदो सॼो कंप्यूटर जे बारे में ई असां इहे यूज़ कराईंदासीं, त ईअं न हुजे त असां सिर्फ़ु कंहिं ऑर्गेनाइज़ेशन जे लाइ इहो यूज़ कयूं, न, ही सिर्फ़ु छाजे लाइ कंप्यूटर जे लाइ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आहे। प्रोफेशनल कंडक्ट छा थींदो आहे, असां जॾहिं बि वर्क था कयूं त प्रोफेशनली कोड ऑफ कंडक्ट इस्तेमालु कयूं, यानी कि प्रोफेशनलिज़म लाज़मी हुजे। अगरि असां प्रोफेशनल हुजऊं त जेकी बि शयूं हुजनि उहे असां प्रोमोट था करायूं ऑनेस्टी सां, इंटीग्रिटी सां, इहे असांजी प्रोफेशनलिज़म खे शो कराईंदियूं आहिनि। ऐं कॾहिं बि असां कंफ्लिक्ट न करायूं पंहिंजे पर्सनल इंट्रेस्ट जे लाइ, ऐं मेंटेन कंदा अचूं ऑर्गेनाइज़ेशन खे जेकी बि कमिटमेंट असां ऑलरेडी अपॉइंटमेंट महिल कयूं। वेल बींग तॾहिं थींदी जॾहिं असां सोसाइटी या पंहिंजे सिस्टम या पंहिंजे जेके ऑर्गेनाइज़ेशन जा उनजे लाइ प्रॉपर तरीक़े सां वर्क था कयूं, उहो असांजो प्रोफेशनल कंडक्ट हूंदो। इहो असांजो एक्चुअली हूंदो आहे कोड ऑफ कंडक्ट, जेके असां पहिरियां रूल्स सेट कंदा आहियूं उन्हनि जे हिसाब सां असां हलूं। असां कॾहिं बि कंहिंसां कंफ्लिक्ट न कयूं, कॾहिं बि कंहिंसां असां इंट्रेस्ट पंहिंजे पर्सनल इंट्रेस्ट लाइ कंहिंजो बि वर्क न कयूं ऑर्गेनाइज़ेशन जे अंदरि। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट छा थींदो आहे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतिलबु असां ईअं न हुजे त असां कंहिं कंपनी में कमु था कयूं ऐं उनजो असां इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कयूं, मतिलबु ईअं चई सघूं असां लाइट जेका आहे उहा फज़ूल यूज़ कयूं, असां सिस्टम फज़ूल इस्तेमालु करे ऐं उनजो स्विच ऑफ करे न वञूं, उहे हलाए वञूं, मतिलबु जॾहिं असां हितां लीव था कयूं ऑर्गेनाइज़ेशन मां त एनवायरमेंटल इम्पैक्ट न रखूं असां उते ऑर्गेनाइज़ेशन में, मतिलबु इहे बि असांजा इथिकल प्रैक्टिस में अची वेंदा आहिनि। असां जेकॾहिं लाइट्स वग़ैरह ऑन करे वेंदासीं त डेफिनेटली असांजी लाइट जेका इलेक्ट्रिक हूंदी उहा वधीक कंज्यूम थींदी, त डेफिनेटली उनमें ऑर्गेनाइजेशन ते असर पवंदा, तॾहिं असां उन्हनि खे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट न रखणु घुरिजे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिड़ी हुजनि, ईअं न हुजे त असां छा कयूं ब्रॉडर सोशल इम्पैक्ट हुजनि असांजा, ईअं चई सघूं था, या कॉन्ट्रीब्यूट पॉज़िटिवली हुजे, मतिलबु असां डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट पॉज़िटिव, नेगेटिव न हुजे असांखे। अगरि असां कंहिं बि ऑर्गेनाइज़ेशन में कमु था कयूं या असां उन ऑर्गेनाइज़ेशन जे अंदरि उनजा जेके एथिक्स आहिनि उहे असांखे फॉलो कराइणा पवंदा।
कंटिन्यूअस लर्निंग हुजे एजुकेशन में, कंटिन्यूअस मतलब असांखे इथिकली सां गाइडलाइन जेका हुजे उहा असां हुनखे फॉलो करणु घुरिजे ऐं कंटिन्यूअस असांखे सिखणु घुरिजे। मतिलबु असां कंहिं बि फील्ड में आहियूं त हुन फील्ड जे अंदरि असांखे उहे सभु शयूं अचणु घुरिजे ऐं तॾहिं असां प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे सघूं था पंहिंजी। ऐं इहा बेस्ट प्रैक्टिस आहे त असां इथिकल गाइडनेस वठंदा अचूं पंहिंजे सीनियर्स खां। ईअं न हुजे त असां सिर्फ़ु चऊं त मूंखे सभु कुझु अचे थो ऐं मां कुझु बि न कयां, त हुन जे लाइ असांखे कंटिन्यूअसली लर्निंग करणी पवंदी आहे। हुते वेसल बॉलिंग इन में एक्चुअली छा थींदो आहे, असांजो कल्चर अहिड़ो ठहियल न हुजे त अकाउंटेबिलिटी या एथिकल बिहेवियर असांजो सेट थियल हुजे। जेका बि रिपोर्ट हुजे उहा असां अनएथिकल न सेट कयूं, मतिलबु जेका रिपोर्ट हुजे उहा जेन्युइन असां शो करायूं ऐं प्रमोट करायूं पंहिंजे ऑर्गेनाइजेशंस खे या जेके बि असांजा वर्क था कयूं या जेके बि असांजे कंप्यूटर एथिक्स हिन जे अची था वञनि उन्हनि में। हीअ कुझु कमिटमेंट आहिनि जेके असां यूज़ कराए सघूं था। जीअं ईअं चई सघूं था त हार्म कंहिं बि पीपल खे न ॾियूं फर्स्ट कमिटमेंट में, ॿिए में ईअं हुजे त इंटरफेरेंस न कयूं ॿियनि जे कमनि में, ऐं टे में ईअं चई सघूं था एन अदर पर्सनल डेटा हुनजी असां कॾहिं बि न यूज़ कयूं। चौथे कमिटमेंट में ईअं चई सघूं था जेके टेक्नोलॉजी आहे हुनजी इंफॉर्मेशन कॾहिं बि असां न चोरायूं। ऐं पंजे नंबर में ईअं चई सघूं था त मिस इंफॉर्मेशन न ॾियूं कंहिंजी बि जेका हुजनि उहा असां स्प्रेड न कयूं, कंहिंजे बारे में बि मिस इंफॉर्मेशन न ॾियूं असां यूज़िंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जे थ्रू। ऐं छहें नंबर ते जेके अनलेस असां सॉफ्टवेयर जेके आहिनि असां उहे यूज़ न कयूं, जीअं असां पे कयूं फॉर दिस सॉफ्टवेयर, असां हुनखे फज़ूल ऑर्गेनाइजेशन जे लाइ असां को पे कयूं विदाउट कंहिं सॉफ्टवेयर जेको यूज़ बि न हुजे। ऐं एल्स असां कंप्यूटर रिसोर्सिस अनलेस ऑथराइज़ खां बिना कंहिंखे एक्सेस करण जे लाइ न ॾियूं। रॉन्ग क्लेम न कयूं ओनरशिप जो, मतिलबु असां अगरि ऑर्गेनाइजेशन वर्क था कयूं ईअं न चऊं त हीअ ऑर्गेनाइजेशन मुंहिंजी आहे, इहो असांखे कमिटमेंट हुजणु घुरिजे। नाए नंबर ते आहे त जॾहिं बि असां सॉफ्टवेयर था यूज़ कयूं या सोशल इम्पेक्ट हुजे त उहो सॉफ्टवेयर ते ई सॉफ्टवेयर जे थ्रू ई असां जॾहिं असां बिफोर डेवलपिंग था कयूं त असांजा उनजो जेके सोशल इम्पेक्ट त न थींदो ऑर्गेनाइजेशन, जेकॾहिं असां सॉफ्टवेयर आहे त किथे कंहिं ते नुक़सान त न थींदा, उहो असांखे चेक करणु घुरिजे। टेन नंबर ते ईअं कंप्यूटर कम्युनिकेशन्स असांजा रेस्पेक्टेबल हुजनि, जेके फेलो मेंबर्स हुजनि ईअं न हुजे त असां उन्हनि खे ग़लति ईमेल्स कयूं ग़लति मैसेजिस कयूं त उहे असांजा कमिटमेंट न हुजणु घुरिजनि। इहे टेन कमिटमेंट आहिनि जेके असांखे फॉलो करणा पवंदा कंप्यूटर इथिक्स में। कुझु अनएथिकल कंप्यूटिंग प्रैक्टिस आहिनि जेके असांखे न करणु घुरिजनि, जीअं प्लेग्रमिज़म साइबर बुलिंग आहे या अनऑथराइज हैकिंग आहे या स्पैमिंग आहे या स्पैनिंग हूंदी आहे ऐं फिशिंग आहे या सॉफ्टवेयर प्राइवेसी आहे, त हीअ सभु जेके बि असां इन्हनि खे यूज़ न कयूं। अनएथिकल आहिनि कंप्यूटर प्रैक्टिस, हीअ असांखे प्रैक्टिस न हुजणु घुरिजे, आदतूं हीअ असांखे न हुजणु घुरिजनि त इहे शयूं असां इस्तेमालु कयूं। इहो ई कुझु टॉपिक्स जेके असां डिस्कस कयासीं कंप्यूटर इथिक्स जा। Thank you for watching. Like, share, subscribe channel, follow us at Facebook.